फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं IRCTC की। IRCTC ने अपने बिजनेस में और तरक्की करने के लिए एक बहुत ही शानदार रास्ता अपनाया है, एक ऐसा डिसीजन जिससे IRCTC के बिजनेस में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्या है ये डिसीजन, इसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखोगे तो IRCTC का बिजनेस आइडिया इतना शानदार है कि कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट में बढ़ोतरी कर रही है और यहाँ पे रुकने वाली नहीं है IRCTC। लगातार बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं, लगातार बहुत सारी ट्रेनें जो हॉलीडेज में निकाली जा रही है, ऐसे जो पैकेज जिसकी वजह से इनको रिवेन्यू में बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे IRCTC में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय में IRCTC वाकई में हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है या फिर इस समय IRCTC हमें निकल जाना चाहिए, बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे IRCTC इस लेवल पे खरीदने के लिए कितना सही लग रहा है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, इस समय बाजार की संभावना अभी भी एक तरफा पॉजिटिव नहीं बनी हुई है, बाजार में अभी भी आपको एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ बाजार दिखाई देगा। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना हो तो थोड़ा थोड़ा करके अगर एक साथ में न करें, क्योंकि अगर गिरावट भी होती है शेयर में तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को ऊपर ला सकते हैं। लेकिन IRCTC में आने वाले समय में इसके जो टारगेट है बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले, तो इस वीडियो के माध्यम से सारी बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करेंगे तो BSE सेंसेक्स 55,769 पर था फ्राइडे के दिन, जहां पे हमें 48 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.88% की गिरावट थी। तो गिरावट कम थी लेकिन फिर भी बाजार में अभी भी दबाव बना हुआ है। इसके पीछे वजह है आजकल कोई भी लंबी पोजीशन नहीं बनाना चाहता, जल्द से जल्द अपनी प्रॉफिट बुक करना चाहता है। तो यहाँ पे आपको 2-3 दिन तेजी बनती हुई दिखाई देगी तो फिर 2 दिन आपको गिरावट होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ बाजार दिखाई देगा। अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC की बात करें तो स्टॉक की वो शुरुआत हुई थी 681 पर फ्राइडे को और इसका लो बना 664 का और इसका हाई है 685 का। अंत में क्लोजिंग 665 पर रही, जहाँ पे 1.06% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक में काफ़ी दबाव था। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक जब IPO आया था इस समय जो प्राइस उसकी 179 की लो है 25 अक्टूबर की, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त कमाल किया। 2 साल के अंदर स्टॉक करीब 1200 को क्रॉस कर गया था और आपने देखा ही होगा लगातार स्टॉक दौड़ा था, स्प्लिट होने के बाद इसकी प्राइस 1200 पे आई क्योंकि ये 4500 तक पहुँच गया था। तो ऐसे में आप देखोगे तो पिछले 2 साल में ही इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो वैसी ही संभावना फिर से बनने लगी है, स्टॉक आने वाले समय में फिर से तेजी से भागते हुए अपनी पुरानी हाई के आसपास पहुंच सकता है। तो ऐसे में इस समय इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 32 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 51 लाख का वॉल्यूम हुआ और गुरुवार के दिन देखें तो 26 लाख का वॉल्यूम था और यहाँ पे फ्राइडे को 30 लाख का वॉल्यूम था। तो अच्छी क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है, लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 336 52 वीक का लो है और 1279 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 665 पर है, यानी ऊपर के लेवल से आपको 50% डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। तो बिल्कुल इस मौके का आपको फायदा उठाना ही चाहिए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब IRCTC की हम बात करें तो कंपनी 3 बड़े सेगमेंट में अलग अलग काम कर रही है। जैसे कि आप देखो तो इंटरनेट टिकटिंग का इनका कामकाज है और जब से कोविड का इफेक्ट शुरू हुआ था लोगों ने अपना जो टिकट बुक करने का तरीका बदल दिया, जो पहले ऑफलाइन खिड़की पे जाकर टिकट बुक करते अब वो लोग ऑनलाइन टिकट बुक करने लगे, तो सीधा इसका फायदा IRCTC को मिलने लगा है। दूसरी तरफ कंपनी का कैटरिंग का बिजनेस है, रेलवेज में कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है IRCTC, साथ में इनका टूरिज्म का बिजनेस है यानी कंपनी बहुत सारे हॉलीडेज पैकेज भी बना के देती है और इसी वजह से यह स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। साथ में इनका रेलवे नीर का भी बिजनेस है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का। अब यहाँ पे इनकी जो सर्विस देती है कंपनी फ्लाइट बुकिंग की है, होटल बुकिंग, रेल डिस्ट्रिक्ट की ब्यौर, ई कैटरिंग का बिजनेस, बस सर्विस, हॉलीडे पैकेजेस, कंपनी हॉलीडे पैकेज बना के देती है, इनकी स्पेशल महाराजा एक्सप्रेस इंटरनेशनल पैकेज भी है सारे। तो आप ये देखोगे तो इनका कारोबार लगातार बढ़ रहा है। कंपनी आप देखो तो बहुत सारे हॉलीडे पैकेज अब शुरू कर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में, इस समय वैकेशन का दौर है, यहाँ पे इनका कारोबार लगातार बढ़ रहा है। और कंपनी आप देखोगे तो जब से कोविड के बाद में इनका जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का कामकाज भी बढ़ने लगा है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही चाहिए। यहाँ पे एक IRCTC ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, इससे इनके रिवेन्यू में और जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। यानी जैसे कि आपको पता ही होगा रेलवे में जब लोग सफ़र करते हैं तो बहुत सारा बैगेज लेके चलते हैं, बहुत सारा उनका साथ में लगेज होता है, इतना लगेज होता है कि एक एक आदमी के पास कम से कम 10-10 बैग होते हैं। अब यहाँ पे लगाम कसने की कोशिश की जा रही है, यानी यू कहे तो एक तरह से रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी क्योंकि अब IRCTC की तरफ से जो टिकट बुक किए जाएंगे और उनके साथ में अब पहले ही उनको क्लियर करना होगा कि उनके पास कितने लगेज है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट बांध दी गई है, यानी 40 kg से लेकर 70 kg की लिमिट है, इससे ऊपर कोई भी अपना लगेज लेके नहीं जा सकता और अगर कोई लेके जाएगा
जाएगा, पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त पेनल्टी लगने वाली है, और ये पेनल्टी सीधी मिलेगी IRCTC को। जिसका वजन ज़्यादा होगा उसको एक्स्ट्रा पहले ही पे करना होगा, और ये पहले ही कहना होगा टिकट कि उनका सफ़र शुरू करने से पहले उनको शो करना होगा कि मेरे पास इतना एक्स्ट्रा जो है लगेज है तो उसका चार्ज उनको पे करना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते और बाद में अगर पकड़े जाते तो उनके ऊपर 6 गुना ज़्यादा पेनल्टी लगने वाली है, जो भी उसकी प्राइस होगी लगेज की। तो आप समझ लो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने वाली है IRCTC के। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग क्लास के हिसाब से लगेज लेके जाने की जो कैपेसिटी सब अलग अलग है। अगर AC फर्स्ट क्लास में अगर सफ़र कर रहा है कोई इंसान तो उसको 70 kg तक लेके जाने की छूट है। अगर AC सेकंड क्लास में कोई सफ़र कर रहा है तो वो 50 kg तक अपना लगेज लेके जा सकता है, और AC थर्ड क्लास के लिए 40 kg की लिमिट है। और यहाँ पे अगर आप देखो किसी के पास स्लीपर क्लास का टिकट है तो वो 40 kg तक लेके जा सकता है, लेकिन सेकंड क्लास वालों के लिए 35 kg की लिमिट की गई है। तो ये एक तरह से देखें तो इसे लिमिट बांध दी गई है, इससे ऊपर जो भी अपना लगेज लेके जाएगा उसको पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी 6 गुना लगने वाली है। तो आप देखोगे कि इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है IRCTC को। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कंपनी का रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और प्रॉफिट तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो 2018 में कंपनी को 1,466 करोड़ का रेवेन्यू मिला था, 2019 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 1,870 करोड़ तक पहुँचा, और 2020 में इनका रेवेन्यू 2,275 करोड़ तक पहुँचा। लेकिन 2021 में ज़बरदस्त गिरावट हुई, और इसके पीछे वजह कोविड की वजह से सब ट्रेन बंद हो चुकी थी, इनका कैटरिंग का बिजनेस भी बंद हो चुका था, इस वजह से आपको रेवेन्यू गिरता हुआ दिखाई दिया, यानी 783 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। लेकिन 2022 में कंपनी ने फिर से बाउंस बैक दिया और 1,879 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला, जो इस बार आने वाले फाइनेंशियल ईयर में और भी ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगी। इनके प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 2018 में इनको 219 करोड़ का प्रॉफिट मिला था, 2019 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 308 करोड़ तक पहुंचा, और 2020 में इनका प्रॉफिट 528 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2021 में कोविड का इफेक्ट देखने को मिला और इनका प्रॉफिट घटकर 189 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन इस बार कंपनी ने कमाल कर दिया, प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त जंप लगाते हुए 2022 में 663 करोड़ तक पहुंच गया है। तो पिछले 2018 से देखें तो लगातार बढ़ते हुए इस बार प्रॉफिट ने नए आयाम स्थापित किए, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इनका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस वजह से इनका प्रॉफिट बहुत ही शानदार हुआ है। तो ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं, आने वाले समय ये मल्टीबैग रिटर्न आपको दे सकता है फिर से। अब यहाँ पे इनके क्वार्टर वाइज रेवेन्यू को देखें तो मार्च 2021 में इनको 777 करोड़ का रेवेन्यू मिला था, जो जून में घटकर 243 करोड़ तक आया, और सितंबर 2021 में फिर से बढ़कर 405 करोड़ तक पहुंच गया, दिसंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 540 करोड़ तक पहुंचा, और मार्च 2022 आते इनका रेवेन्यू 691 करोड़ तक पहुंच गया। तो लगभग पिछले मार्च के तुलना के आसपास आ चुका है। अब इनके प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2021 में इनको 187 करोड़ का प्रॉफिट मिला था, जून 2021 में इनका प्रॉफिट घटकर 82.52 करोड़ तक पहुंचा, और सितंबर 2021 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 159 करोड़ तक पहुंच गया, दिसंबर 2021 में इनका प्रॉफिट बढ़ते हुए 209 करोड़ तक पहुंचा, और मार्च 2022 में इनका प्रॉफिट 214 करोड़ तक पहुंचा। तो आप जून से देखोगे लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, और इसीलिए कहता हूं कि ये मौका है जब खरीदारी करें। एक बार इसके फंडामेंटल भी हम चेक करेंगे तो मार्केट कैप 53,848 करोड़ का है, पी रेशियो TTM 81.16 है, PB रेशियो 28.58 है, और यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी 0.07 है, RO इसका 39.75% है, EPS TTM 8.29, और डिविडेंड मिलेगा आपको 0.37% का, बुक वैल्यू इसकी 23.55, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ के। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है, और ये स्टॉक मुझे लगता है कि इस समय एंट्री के लिए काफ़ी अच्छा बन रहा है। यहाँ पे अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, 71% बाय की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 15% होल्ड की कॉल है, लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पीवोट लेवल को भी चेक करेंगे तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 658 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 650 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा सपोर्ट 637 का है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 678 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 692 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 699 तक भी जा सकता है, बिल्कुल 700 को पार कर सकता है। तो ये मौका है जब खरीदारी करें, और मुझे लगता है स्टॉक आने वाले समय वैसे ही रिटर्न देगा जैसे पिछले दिनों इसने दिया था, बिल्कुल 3000 के टारगेट के साथ आपको 5 साल के इसको होल्ड करना है, यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।